और बुलंदशहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। चलो प्रदेश में केराना के माध्यम से कश्मीर बनाने की ओर का सपना देख रहे थे, हमने उनको बोल दिया कि अब कश्मीर भी देश का स्वर्ग बन रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। अब तो इस बुलंदशहर के बगल में ही हम फिल्म सिटी भी बना रहे हैं। अब तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी इसी के बगल में बन रहा है, 1 घंटे की दूरी में। मेडिकल डिवाइस पार्क भी इसी के बगल में बन रहा है, 1/2 घंटे की दूरी पर। और भाइयों बहनों यही नहीं, यहां से मेरठ से लेकर के और प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी हम लोग यहीं से कर रहे हैं। सुबह यहां से निकले, दोपहर में संगम में स्नान किया, शाम को वापस बुलंदशहर वापस आ गए। भाइयों बहनों, सुरक्षा और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य किसी ने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के निर्माण में उन्होंने अपनी संपत्ति दी, एक भी पत्थर उनके नाम पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नहीं। हमने कहा नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भले ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के योगदान को विस्मृत कर दे, लेकिन राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी विस्मृत नहीं करेगी। उनके नाम पे एक विश्वविद्यालय का निर्माण होगा और हमारी सरकार एक विश्वविद्यालय का निर्माण अलीगढ़ में कर रही है। यही नहीं, मां शाकंभरी के नाम पर सहारनपुर में एक विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आपकी मेरठ में बन रही है और जिन लोगों ने आतंकी मंसूबे पाले हुए थे उनके लिए हमने एटीएस के कमांडो भी देवबंद और अलग अलग जगह तैनात कर दिए हैं। सुरक्षा और समृद्धि के साथ कोई समझौता नहीं, और गरीबों के कल्याण के लिए। भाइयों बहनों, पहले मुख्यमंत्री बनते थे, मंत्री बनते थे, क्या करते थे? अपना बंगला बनाते थे, गरीबों का नहीं मकान नहीं बनता था। यानी उनके लिए अपनी समृद्धि सामाजिक न्याय था, अपने लिए, अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए, उनके लिए उनका परिवार ही प्रदेश था और हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है। यही फर्क है। उन्होंने अपने मकान बनाए, अपने बंगले बनाए, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया। उन्होंने एक भी गरीब को स्वच्छ भारत मिशन के साथ जोड़ने का कार्य नहीं किया। हमारी सरकार ने 2,61,00,000 गरीबों के घर में एक एक शौचालय पहुंचाने का काम किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखा। आज भले ही कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करें कि हम फ्री में बिजली देंगे, ये करेंगे, जब बिजली ही नहीं देते थे तो फ्री कहां से करोगे जी? वो तो बिजली ही नहीं देते थे, उनके यहां तो अंधेरा ही अंधेरा था और बाकी जो बचा था वो दंगा फसाद पूरा कर देता था, कर्फ्यू पूरा कर देता था। आपने देखा होगा, हमने तो दूसरी लहर के दौरान भी बंद नहीं किया, कर्फ्यू की बात तो दूर है। जब कोरोना हमारे कार्य को, हमारी दिनचर्या को बाधित नहीं कर सकती है तो कोई दंगाई क्या करेगा? और इसलिए भाइयों बहनों, गरीब कल्याण का कार्यक्रम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिए। सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने दिया और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी क्यों, इसी प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। भारतीय जनता पार्टी इसलिए जिससे प्रदेश में कानून का राज बना रहे। ये कानून का राज ही सबको सुरक्षा, सबकी समृद्धि की गारंटी देगा।
नौजवानों को रोजगार देगा, किसानों के जीवन में खुशहाली लाएगा, गरीबों का उत्थान करेगा, बेटियों को सुरक्षा की गारंटी देगा, कानून का राज हो, हिस्ट्री सीटर थाना न संचालित करे, अपराधी सरकार का संरक्षण न पाने पाए, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश बना रहे और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर भी चलता रहे, दंगाइयों को सख्त सजा दी जा सके, तुष्टीकरण की राजनीति सदैव के लिए बंद हो सके, सरकारी भर्ती में पूरी पारदर्शिता भी बनी रहे, गरीबों को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, बिजली बिना भेदभाव के निर्बाध 24 घंटे हर एक नागरिक को प्राप्त हो सके, एक्सप्रेसवे जीवन की रफ्तार को निरंतर बढ़ाती रहे, बहन बेटियों की सम्मान के साथ कोई गुंडा खिलवाड़ न करने पाए, आगे भी इंसेफ्लाइटिस और कोरोना प्रबंधन का कार्य इसी प्रकार से चलता रहे, किसानों को उपज का पूरा दाम और सम्मान मिल सके, हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बन सके, और उद्योग धंधे विकसित हो सके, रोजगार सबको अपने घर के पास मिल सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से प्रदेश के अंदर आना आवश्यक है और इसी के लिए अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, यहां पर हमारे लोकप्रिय विधायक वरिष्ठ नेता स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह सरोही जी और हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों ने मेडिकल कॉलेज की मांग की थी। हमारी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्यक्रम इसी बुलंदशहर में प्रारंभ कर दिया और हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुले, इस दृष्टि से सरकार इस अभियान के साथ जुड़ रही है। मेरी आप सबसे अपील है, आप प्रबुद्ध जन हैं, कोरोना के नियमों का पालन करते हुए हम घर घर जनसंपर्क के अभियान के साथ जुड़े, तकनीक का उपयोग करें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए अपना योगदान दिलाने में और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद विकास और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध सरकार फिर से बहाने में अपना योगदान देने में आप सभी अपना योगदान देंगे। इस विशेष जनपद बुलंदशहर के अंदर, बुलंदशहर में श्री प्रदीप चौधरी, सियाना में श्री देवेंद्र सिंह लोधी, अनूपशहर में श्री संजय शर्मा, दिवाई में श्री सीपी सिंह, शिकारपुर में श्री अनिल शर्मा, खुर्जापुर सुरक्षित में श्रीमती मीनाक्षी सिंह और सिकंदराबाद में श्री लक्ष्मी राज सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इस चुनावी समारोह में उतरे हैं। आप सबके आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए जन जन को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद और विकास के अभियान के साथ जुड़ने में आप सभी लोग अपना योगदान देंगे, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति हृदय से अभिनंदन व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जहां पर उन्होंने बताया कि वेस्टर्न यूपी में विकास किस तरीके से बीजेपी ने किया है और कानून व्यवस्था, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा, वो कानून व्यवस्था किस तरीके से दुरुस्त हो गई है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और अगर कानून व्यवस्था को ऐसे ही रखना है तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। और साथ ही साथ तमाम जो बड़ी योजनाएं हैं उनका भी जिक्र किया, फिल्म सिटी के साथ साथ गंगा एक्सप्रेसवे का भी जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए।